हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया वीडियो। तो जैसे कि आप टाइटल थंबनेल से देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा विज़न बोर्ड 2022 का। तो 2021 में भी मैं विज़न बोर्ड बनाई थी और मुझे याद नहीं है कि मैं उसका वीडियो यूट्यूब में शेयर की हूँ कि नहीं, बट मैं 2022 का आप लोगों के साथ अच्छे से विज़न बोर्ड अपना जो भी है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि विज़न बोर्ड क्या होता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हर साल न्यू ईयर में हर व्यक्ति अपने लिए प्लान बनाता है और वो प्लान कहीं ना कहीं भूल जाता है क्योंकि वो कहीं उसे लिखता नहीं है या फिर वो अपना जो विज़न बोर्ड है नहीं बनाता है। तो इसलिए या तो आप अपना जो अपना जो भी प्लान बनाते हैं न्यू ईयर में, वो नए साल में जो भी आपको इस साल भर में करना है, या तो आप उसे लिख लीजिए या तो उसके लिए आप विज़न बोर्ड बना लीजिए। तो विज़न बोर्ड होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। विज़न बोर्ड माने होता है मैनिफेस्ट करना, या फिर आप कुछ भी चीज़ जो अपने लाइफ में चाहते हो। और विज़न बोर्ड आप बोल सकते हो दूरदृष्टि, ऐसा भी कुछ बोल सकते हो। तो हर साल तो हर व्यक्ति विज़न करता ही है, हर साल हर व्यक्ति सोचता ही है कि मुझे ये कार्य करना है या फिर ये काम करना है। तो ऐसे ही कुछ है। तो विज़न बोर्ड बनता है 3 मेथड से, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। तो पहला मेथड होता है विज़न बोर्ड, जो कि मैं बनाती हूँ बोर्ड में। और दूसरा मेथड होता है डिजिटल वे में, और तीसरा मेथड होता है डायरी वे में। तो आप ये तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं बनाती हूँ विज़न बोर्ड बोर्ड में, तो इसलिए मैं विज़न बोर्ड बोल रही हूँ। आप डिजिटल वे से ही बना सकते हो, डायरी वाला जो वे है उससे ही बना सकते हो। इसके बारे में डिटेल आप यूट्यूब में देख सकते हो। मैं जो बनाई हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ओके। और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। आई होप यू ऑल गाइज लाइक इट। सो मैं बताती हूँ आपको। तो विज़न बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। आप विज़न बोर्ड बनाने के लिए गूगल की मदद ले सकते हैं। आप गूगल से फ़ोटो निकाल सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर की भी मदद ले सकते हैं, मैगज़ीन उसकी मदद ले सकते हैं, वहाँ से आप पिक्चर निकलवा सकते हैं। और मोटिवेशनल थॉट्स के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। आप उसे प्रिंट आउट करवा के निकलवा लीजिए, फिर अपने हिसाब से कट पिट करके फिर उसे पेस्ट करना रहेगा बोर्ड में। वो आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे हमें चाहिए होगा कुछ कलर पेन और कुछ DIY आर्ट करने के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम। ये सब चीज़ आपके पास अगर है तो आप बहुत अच्छे से जो अपना विज़न बोर्ड है वो बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ DIY सामान है तो आप आराम से उसकी मदद से बना सकते हैं, या फिर आप स्केच पेन की मदद से भी कुछ कार्टून वगैरह बना के भी अपना जो DIY विज़न बोर्ड है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे ही बनाते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग। तो समझ गए होंगे आप लोगों की विज़न बोर्ड क्या होता है। तो हर व्यक्ति को विज़न बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और विज़न बोर्ड ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़े। अगर आप डायरी बना रहे हो तो आप उसे दो तीन बार जरूर देखिए दिन में, या फिर आप मोबाइल में बना रहे हो तो उसे अपने वॉलपेपर में रखिए ताकि आपकी उसकी उस पर नज़र पड़ती रहे। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, जैसे कि मेरे घर में बहुत स्पेस है, हमारा बहुत प्राइवेट स्पेस है, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अपना जो भी बना रहे विज़न बोर्ड। बहुत सारे लोगों के घर में प्राइवेट स्पेस नहीं होता और हर बंदा नहीं चाहता कि कोई तीसरा बंदा मेरा विज़न बोर्ड देखे, फिर मेरे जो प्लान है वो देखे। तो इसके लिए आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आप देख सकें, बाकी कोई वहाँ पे ना देख सके। इस तरीके से आप अपने घर का कोई कॉर्नर, फिर कोई जगह ऐसा देख लीजिए। जैसे कि मैं फैमिली में रहती थी तो मैं अपने लिए एक जगह चुन के रखी थी, वहाँ पे मैं विज़न बोर्ड अपना लगा देती थी जहाँ पे सिर्फ मैं ही देख पाती थी। या फिर आप डिजिटल वे से जा सकते हो, या फिर जो डायरी वाला वे है इससे भी जा सकते हो। जैसी मर्जी आप अपना विज़न बोर्ड बना सकते हो, जिससे कि आप अपना जो भी कार्य है वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करके कर सकें। विज़न बोर्ड आपको बहुत अच्छे से पुश करता है जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो पा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप विज़न बोर्ड को हमेशा देखते रहें। बोलते ना, दिमाग जो नज़र देखता है वही करता है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी नज़र में आपका जो विज़न बोर्ड है वो हमेशा दिखता रहे। समझ गए होंगे आप लोग सब। बहुत ज़्यादा बात हो गई विज़न बोर्ड के बारे में। और आगे ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा विज़न बोर्ड का, तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है विज़न बोर्ड के बारे में। पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सो विज़न बोर्ड का जो भी वीडियो है, जो भी तरीका है जैसे मैंने बनाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ विज़न बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको लिस्ट रेडी करना होगा, जो भी आप अपने लाइफ में इस साल मैनिफेस्ट करें या फिर आप चाहते हैं कुछ भी काम करना इस साल, वो आपको सबसे पहले लिस्ट कर लेना होगा कि आप क्या क्या अपने विज़न बोर्ड में लगाना चाहते हैं। तो उस तरीके से, तो यहाँ पे आपको मैं रफली समझा दे रही हूँ कैसे। आप पहले लिस्ट बना लीजिए, अगर आप डिटेल में भी इसमें लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट लिस्ट बना रही हूँ। जो भी डिटेलिंग वर्क है मैं वो डायरेक्ट जाके विज़न बोर्ड में ही करती हूँ, बट यहाँ पे मैं अपना जो भी लिस्ट है, जो भी मैं चाहती हूँ ये साल करना, वो सब मैं पहले राइट डाउन कर ले रही हूँ इस पेपर में।
अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं ली हूँ थर्माकोल, आप लोग चाहें तो इसके जगह जो कार्डबोर्ड होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो पार्सल आते हैं सामान के फ्लिपकार्ट अमेजोन से उस वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं तो इसलिए मुझे ये परचेज़ करना पड़ा, तो मैं इसको लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चार्ट पेपर। अगर आप कार्डबोर्ड में बना रहे हैं तो आपको चार्ट पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें आप डायरेक्ट पेंट भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो चार्टबोर्ड भी स्टिक कर सकते हैं या फिर पेंट का भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ जो पिक्चर है वो निकलवाई थी गूगल से, तो मैं इसको प्रिंट आउट करवा के लेके आई हूँ। और आप लोग चाहें तो न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन वगैरह से भी जो पिक्चर है वो सब कट कर सकते हैं, जैसे मैं अपना 2021 में जो विज़न बनाई थी उसमें यूज़ की थी, तो इस बार मैं गूगल से अपना जो जो मुझे पिक्चर चाहिए था, जो भी मुझे मोटिवेशन थॉट चाहिए थे वो सब मैं निकलवा ली थी, और ये सबको मैं प्रिंट करवा के लेके आ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ मेरा विज़न बोर्ड जो कि था 2021 का, तो देख सकते हैं काफ़ी छोटा था और इसको मैं कार्डबोर्ड में बनाई थी और इसके ऊपर मैं पेपर चिपकाई थी व्हाइट कलर का, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत काम की थी, तो उतना कोई खास में बनाई नहीं थी, थोड़ा नॉर्मली रखी थी क्योंकि 2021 उतना कुछ कोई मेरा खासा प्लान वाला साल नहीं था, क्योंकि हमें बहुत कुछ फाइनेंशियली लॉस उस समय झेलना पड़ा था, तो वो सब सोच के भी मैं थोड़ा बहुत ही अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें प्लान की थी जो कि बहुत अच्छे से वर्कआउट हुआ था, बट एक्चुअली में क्या था कि कोविड चला था तो दिक्कत तो सभी को था, तो कुछ कुछ प्लान उसमें नहीं हो पाए थे, वो सब मैं पिक्चर यहाँ लूँगी अपने इस साल वाले में भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं थर्माकोल में जो पेपर था चार्ट पेपर उसे चिपका दी हूँ, और यहाँ पे जो भी मैं पेपर निकलवाई थी मतलब जो भी प्रिंट निकलवाई थी गूगल से वो सब मैं यहाँ पे रख रख के देख रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि ये सबको कहाँ कहाँ स्टिक करना है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है बाद में कि कहाँ कौन सा लगाना है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे रख रख के देख ली और मुझे समझ में आ गया कि हाँ इसको इस तरीके से लगाना है, तब यहाँ पे मैं स्टिक करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो फेविस्टिक आता है ना वो यूज़ करके मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि पेपर ही है तो इजली से पेपर स्टिक हो जाएगा, आप फेविकॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेटिव आइटम है देख सकते हैं आप लोग वो भी मैं स्टिक की थी। तो इस तरीके से मैं अपना विज़न बोर्ड बना रही हूँ, इसका डिटेल मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ जो विज़न बोर्ड है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरा विज़न बोर्ड कैसा लग रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल आगे बात करते हैं। तो मेरा जो विज़न बोर्ड है देख सकते हैं आप लोग मैं कुछ इस तरीके से बनाई हूँ और पूरा इसका डिटेल मैं आपको बताते जाती हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने लिखा है विज़न बोर्ड 2022, और मुझसे थोड़ा गलती हुआ है वहाँ पे क्योंकि स्केच पेन के साथ मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ गलती हुआ चलता है इतना क्योंकि मुझे ही देखना है। और नीचे देख सकते हैं आप लोग मैं कुछ DIY जो डेकोरेटिव आइटम है उसका यूज़ की हूँ, चेन लगाई हूँ और नीचे जो लटकन लगते हैं ना ब्लाउज की डोरी में उसे भी लगा दी हूँ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो थर्माकोल है बहुत हल्का है तो ये फैन से उड़े मत या फिर टूटे मत, इस वजह से नीचे थोड़ा बैलेंस करने के लिए हैवी करने के लिए इसे लटकन में लगा दी हूँ दोनों साइड, ताकि ये थोड़ा सा मतलब सही से रहे, नहीं तो ये उड़ेगा फ़ैन वगैरह चलेगा तो। और यहाँ पे देख सकते हैं सब जो भी डेकोरेटिव आइटम थे मेरे वो सब मैं स्टिक कर दी हूँ, और जो ऊपर हैंग करने के लिए मैं स्टिक की हूँ ना वो भी एक लेस है जो कि ब्लाउज में कुर्ती में लगता है, तो मेरे पास था तो वही सामान को मैं यहाँ पर यूज़ करके अपना जो विज़न बोर्ड है वो रेडी की हूँ। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं हमारे विज़न बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया है स्किल्स और स्टडी हार्ट का, तो मैं चाहती हूँ कि इस साल मैं अच्छे अच्छे स्किल्स सीखूँ, जैसे कि एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना और पढ़ाई करना, स्टडी हार्ट करना है मुझे इस बार क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो ये सब चीज़ का मैं लगा के रखी हूँ। और उसके बाद है ट्रैवल, तो मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ स्पेशली नेपाल, जैसे कि आपको पता है कि मैं नेपाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नेपाल जाऊँ, पशुपतिनाथ मंदिर जाऊँ, पशुपतिनाथ के दर्शन करूँ, तो सबसे बड़ा मेरा ये प्लान है ट्रैवल का इस साल का। बट 2021 में भी सेम ही प्लान था बट हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमें कोविड हो गया था, तो वो कैंसिल हो गया प्लान। तो और उसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है इनकम, सैलरी, सेविंग, ग्रोथ, ये सब मैं लगा के रखी हूँ, और यहाँ पे लगा के रखी हूँ जो जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में कभी हो, और इस साल के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये सब चीज़ हो, तो इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना है, तो ये सब मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। और ये सेम चीज़ें जो 2021 में मैंने लगाई थी क्योंकि ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पे लगा दी हूँ। और उसके बाद है यूट्यूब, तो यूट्यूब का मेरा जो चैनल का नाम है वो लिखा है जो आप देख रहे हैं, और फिर यूट्यूब के बारे में मैं कुछ कुछ लिखी हूँ। और थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं के पॉप के बारे में, तो जैसे आपको पता है के पॉप BTS बहुत लोग जानते हैं, तो BTS की तो मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर पसंद है मुझे BTS भी, बट मैं जो हूँ एक्सो और टॉयस को ज़्यादा पसंद करती हूँ, ब्लैक पेन को भी मैं उतना खास पसंद नहीं करती, तो ये सब ग्रुप मेरे फेवरेट है। और
वो और भी है, दूसरे जो ग्रुप है वो भी मेरे फेवरेट है, बट ये दोनों ग्रुप मेरी बहुत फेवरेट है। और उसके बाद है यूट्यूब, तो यूट्यूब का भी मैं लिख रही हूँ कि नेवर गिव अप, क्योंकि यूट्यूब बहुत पेशेंट चाहिए रहता है यूट्यूब में काम करने के लिए। उतनी खास मेरी इनकम नहीं है यूट्यूब से, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं गिव अप ना करूँ। मेरा जो अच्छा खासा चैनल है उसमें मैं कुछ ना कुछ काम करते रहूँ जिससे कि मुझे कुछ गेन ही हो, लॉस ना हो, इसलिए मैं यूट्यूब का लगा के रखी हूँ। तो अब बढ़ते हैं ऊपर, तो सब फिर ऊपर में है हेल्थ एंड फिटनेस, फिटनेस लाइफ स्टाइल चेंज, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेडिकल इशू लाइफ स्टाइल की वजह से भी है और बहुत सारे मेडिकल इशू खान पीन की वजह से भी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा अपना डाइट मेंटेन करूँ, पानी ज़्यादा पीऊँ, थोड़ा डेली एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ, सनलाइट में जाऊँ, थोड़ा वहाँ बैठूँ, इस तरीके से जो भी अपना हेल्थ के लिए मैं लगा के रखी। उसके बाद है मोटिवेशनल थॉट, तो सबसे पहले तो उल्टा मैं चल रही हूँ, मतलब ऊपर से मैं नीचे आई फिर नीचे से ऊपर जा रही हूँ, तो समझ जाओ आप लोग पूरा डिटेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो स्ट्रेस नो वरीज, तो मैं छोटी छोटी चीज़ में बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ, फिर मैं बहुत जल्दी वरी होती हूँ, तो वो सब चीज़ की लगा के रखी हूँ कि मुझे ज़्यादा टेंशन या फिर वरी नहीं होना, जो कि मेरे मेंटली हेल्थ में बहुत इफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई, तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी कुछ कुछ लगा के रखी हूँ थॉट्स मोटिवेशन, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, अपना काम अच्छे से करूँ और हमेशा अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहूँ। तो इस तरीके से मैं अपना जो पूरा विज़न बोर्ड है वो रेडी की हूँ, और देख सकते हैं आप लोग जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये सब मेरे प्लान हैं 2022 के, यानी 2022 के। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो विज़न बोर्ड कि आप लोग के क्या क्या प्लान है और आप लोग क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस साल आपके साथ होने के लिए। तो मैं तो आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दी कि मैं ये चाहती हूँ अपने लाइफ में इस साल, तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं या फिर विज़न बोर्ड बना सकते हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं मेरा पूरा विज़न बोर्ड इस तरीके से रेडी है, कुछ कुछ जगह छूटे हुए हैं जहाँ मुझे कभी कुछ याद आता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर लिख लूँगी, और जो जो मैं लिखी हूँ वो पूरा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से जो भी है मेरे इस विज़न बोर्ड में वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दे रही हूँ। तो आप भी ऐसे विज़न बोर्ड बना सकते हो और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा मेरा विज़न बोर्ड। और मैं इसे कहाँ हैंग करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे हैंग कर दी हूँ अपने स्विच के पास, जहाँ पे मेरे फ़ैन और लाइट्स के स्विच है वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार आऊँगी मेरा बार बार नज़र जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो बोर्ड है जिसमें मैं लिखती हूँ थॉट्स वगैरह, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आता है मैं फट से वहाँ पर चौक रखी हुई हूँ लिख देती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना वो काम। तो इसलिए तो इस यहाँ पे मैं आते रहूँगी, जैसे ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई मेकअप मतलब रेडी होने के लिए तो मेरी नज़र पड़ेगी, स्विच बंद करने तो आऊँगी तब तो पक्का नज़र पड़ेगी, बेड से उठूँगी यहाँ आऊँगी स्विच बंद करने फ़ैन का तो मेरी नज़र पड़ेगी लाइट बंद करने के लिए। तो इसीलिए अपना जो विज़न बोर्ड है हमेशा वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहनी चाहिए। सो गाइज, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मेरा विज़न बोर्ड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी विज़न बोर्ड क्रिएट करते हो सो लेट मी नो इन कमेंट बिलो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा विज़न बोर्ड, और आप लोगों ने विज़न बोर्ड बनाया वो भी कमेंट करके नीचे बता सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा नहीं लगा है तब भी कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए तो ब्लॉग आते रहेंगे, तो सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट।